दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 40 साल की उम्र के बाद हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, पर आजकल के जवानों की हड्डियां 40 साल की उम्र से पहले ही कमजोर हो रही हैं। आप सभी को बता दें कि हड्डियां कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण है आपका खाना। बहुत से लोग सोचते नहीं हैं और उल्टी सीधी चीजों का सेवन करते हैं, जिसकी वजह से उनकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। आज हम आपको उन चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका सेवन करने से आपकी हड्डियां कमजोर होती हैं। नंबर एक, इमली। आप सभी जानते हैं इमली हमारे घर में खाने पकाने के काम आती है, पर आप सभी को बता दें कि अगर आप अधिक मात्रा में इमली का सेवन करते हैं तो ये आपकी हड्डियां कमजोर करने लगती है। आपको ये बता दें कि इमली का सेवन करने से आपकी हड्डियों का कैल्शियम कम होने लगता है। दूसरा, चाय। हर किसी व्यक्ति को सुबह उठते ही चाय या कॉफी चाहिए। चाय और कॉफी का सेवन करने से हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं। चाय और कॉफी में कैफीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कैफीन हमारी हड्डियों को धीरे धीरे कमजोर करता है और हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को घटाता है। नंबर तीन, चीनी। हम सभी के घर में चीनी का उपयोग होता है। आपको ये बता दें कि चीनी का अधिक मात्रा में सेवन करने से हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। चीनी का सेवन करने से हमारी डायबिटीज भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी हो सकती है। तो याद रहे, आप चीनी का अधिक मात्रा में सेवन ना करें। दोस्तों, आपको हमने बताया चीनी, चाय और इमली, इनका अधिक मात्रा में सेवन करना हमारी हड्डियों की कमजोरी का प्रमुख कारण है और इसके लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती है। उम्र चाहे 40 साल से ज्यादा हो या कम, इन सभी का ज्यादा इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आप ये चाहते हैं कि इस जानकारी के बारे में आपके अजीज लोग भी जाने तो उन तक हमारे इस वीडियो को शेयर करें, पहुंचाएं। इसके साथ साथ आप ये चाहते हैं कि ऐसी जानकारियां आपको हम पहुंचाते रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।